बड़ी खबर आपको बता दें यूपी से मिल रही है, जहां पर अब यूपी में स्टाम्प शुल्क बढ़ेगा। तो 20 साल बाद यूपी में ये स्टाम्प शुल्क बढ़ाया जाएगा और बताया जा रहा है कि ऐसे में करीब 10 गुना ये स्टाम्प शुल्क बढ़ने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, स्टाम्प शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है योगी सरकार की तरफ से, जिसके तहत सरकार को 400 से 500 करोड़ रुपए राजस्व बढ़ोतरी की उम्मीद मिल रही है। 2001 से स्टाम्प शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी और ऐसे में 20 साल बाद अब जो है यहां स्टाम्प में बढ़ोतरी की जा रही है, स्टाम्प शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है, 10 गुना ये स्टाम्प शुल्क बढ़ने की बात की जा रही है। हालांकि जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल 2001 में स्टाम्प शुल्क जो बढ़ा था वो अब बढ़ रहा है। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण चतुर्वेदी यहां पर जुड़ गए हैं। अरुण, अभी कुछ इसके पीछे वजह बताई गई है कि आखिरकार 20 साल बाद अब जाकर बढ़ोतरी क्यों की जा रही है, वजह क्या है, और ऐसे में जो ये बताया जा रहा है कि 10 गुना ये बढ़ोतरी होगी, किस तरह से जो सरकार है उसको यहां पर मदद मिलने वाली है? जी, मैं आपको बता दूं कि स्टाम्प बढ़ोतरी 2001 में हुआ था, इसके बाद स्टाम्प बढ़ोतरी नहीं की गई थी। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 20 सालों में तक स्टाम्प बढ़ोतरी नहीं गई थी। और अगर बात की जाए अन्य प्रदेशों की, तो गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ तक के अन्य कर्नाटक राज्यों में स्टाम्प की बढ़ोतरी कर दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, जिस वजह से उत्तर प्रदेश का लगातार स्टाम्प में घाटे हो रहे थे, जिस वजह से घाटे को पूरी करने के लिए ये एक्ट संशोधन करने की तैयारी की गई है, जिसमें माना जा रहा है कि सरकार को प्रतिवर्ष 400 से 500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचेगा, उम्मीद बताई जा रही है। अगर शुल्क की बात की जाए बढ़ाने की, अगर स्टाम्प ड्यूटी, तो यहाँ पर जैसे कि 10 रुपए का जो स्टाम्प पेपर था उस पर अब 100 रुपए का चार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है। और जो जैसे गोदनामा में अगर जैसे दस्तक ग्रहण 100 रुपए का था, वो 1000 कर दिया गया है। तो जहां जहां तक 10 गुने की बढ़ा दी गई है, बढ़ोतरी कर दी गई स्टाम्प पे, तो कहीं ना कहीं ये जो जनता है उस पर भी भारी बोझ पड़ने का नजर आ रहा है। अरुण, क्या अभी कुछ जनता का इस पर रिएक्शन सामने आया? जैसे की आप बता रहे हैं कि जो पहले रकम 100 चुकानी पड़ती थी, अब वो यहाँ पर 1000 चुकानी पड़ेगी, तो ये जेब को ढीली करने वाला है ये यहाँ पर देखा जाए फैसला, लेकिन अभी कोई रिएक्शन जनता का सामने आया है? देखिए, अब एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया की गई है, जब एक्ट को ये लागू कर दिया जाएगी, जब ये चालू हो जाएगा ये 10 से 15 दिन के बाद, इसके बाद जनता में क्या विरोध आता है, लेकिन अभी फिलहाल जिस हिसाब से शुल्क बढ़ाई गई हो, कहीं कहीं सरकार ने अपने फायदे के लिए बढ़ाई है, जनता के बोझ अतिरिक्त बढ़ा है, अब एक्ट जनता पर जब इसका शुल्क देना पड़ेगा तो कोई ना कोई जनता से रिएक्शन आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अपने फायदे के लिए 400 से 500 करोड़ रुपया सालाना फायदा हो, इस वजह से स्टाम्प की शुल्क बढ़ाई है, कहीं कहीं जनता के जेब बोझ पड़ने की। बिल्कुल, फायदे के तौर पर तो उसको कहा ही जा रहा है अरुण, लेकिन क्या हम इसको एक तरीके से ये भी माने कि कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि अगर 2001 में ये शुल्क बढ़ा था और अब 20 साल बाद बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर बीच बीच में बढ़ाया भी जाता तो शायद अंत यहीं पर होता, तो क्या एक बार कोई ये पचने वाला भी हम कह सकते हैं, हो सकता है? जी देखिए, वो पचने वाली बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों की बात की जाए, तो जहां महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, इसमें 10 साल पहले ही एक्ट संशोधन कर दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एक्ट अगर देखा जाए तो किस वजह से नहीं चेंज कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार जो स्टाफ में घाटे हो रहे थे उसको पूरा करने के लिए भी सरकार, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का कदम भी ठीक है, क्योंकि एक्ट जो घाटे हैं उसको पूरा किया जाए और जो अब जो 21 साल बाद बढ़ोतरी की है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदेमंद है, जनता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।